नाउ लेट स्टडी विंड पावर प्लांट विंड पावर प्लांट क्या होता है कि ये जो विंड पावर प्लांट होता है ये एक हाई हिली रीजन पे प्लेस्ड किया जाता है जहाँ पे विंड का जो प्रेशर है काफ़ी ज़्यादा होता है इसके ब्लेड ऐसे बनाए जाते हैं कि जैसे ही विंड पास होंगी तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे विंड टर्बन के नीचे एक पीवोट सिस्टम प्लेसड किया जाता है ताकि जैसे जैसे विंड का डायरेक्शन चेंज होगा जैसे नॉर्थ टू साउथ या फिर ईस्ट टू वेस्ट या फिर साउथ टू नॉर्थ तो वैसा वैसा ये जो विंड टर्बाइन है वो मूव हो जाएगा होंगे अब विंड टर्बाइन के साथ में एक छोटा सा एक मैकेनिकल गेयरबॉक्स स्टेप गेयरबॉक्स यूज़ होता है वो स्टेप गेयरबॉक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है अगर एक व्हील एक विंड टर्बाइन का जो ब्लेड होता है वो काफ़ी बड़ा होता है तो एक सर्कल करता है तो स्टेप बॉक्स में मल्टीपल टाइम्स वो रिमूव वो मूव होता है जैसे वन सर्कल इज़ इक्वल एन टू हंड्रेड टाइम्स द स्पिनिंग ऑफ द गियर तभी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होंगी तो फिर वो गेयर बॉक्स कन्वर्टेड होता है टर्बाइन के साथ और टर्बाइन कनेक्टेड होती है ट्रांसफार्मर के साथ और तो ट्रांसफार्मर से इलेक्ट्रिसिटी पास्ट होती है सिटीज़ में या फिर एक स्टोरेज बैटरीज में तो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ विंड पावर प्लांट विंड टर्बाइन इज फिटेड इन हिली रीजन वेर दर इज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ विंड एक हिली रीजन पे उसको प्लेसड करते हैं जहाँ विंड का प्रेशर ज़्यादा हो जैसे विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग एट हाई स्पीड फैन मूव होता है क्लॉक डायरेक्शन में स्टेप गेयर बॉक्स अटैच करते इंपॉर्टेंट क्या है स्टेप गेयर बॉक्स में वट वन कम्प्लीट रोटेशन ऑफ फैन मल्टीपल रोटेशन ऑफ द गेयर्स द स्टेप गेयर इज़ कनेक्टेड टू द जनरेटर जनरेटर से स्टेप गेयर कनेक्टेड होता है जनरेटर भी मूव करता है जैसे जैसे गेयर मूव करता है सेम स्पीड में जनरेटर मूव करता है जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है और ट्रांसफार्मर को भेज देता है और फा वहाँ ट्रांसफार्मर से वो सिटी को ट्रांसफर होती है इलेक्ट्रिसिटी अब आता है रिसाइकिलिंग इंडस्ट्री रिसाइक्लिंग इंडस्ट्री एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है वो रीयूज करती है मटेरियल को तो उस वजह से जो वेस्ट होता है वो रिड्यूज हो जाता है और नेचुरल रिसोर्सेज बच जाते हैं हमारे तो इसका डेफिनेशन ऐसा आएगा द रिसाइकलिंग प्लेज एंड इंडस्ट्री प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल रीयूजिंग द मटेरियल टू रिड्यूज द वेस्ट एंड सेव रिसोर्सेज अब प्रोसेस रहता है इसका कलेक्शन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ वेस्ट मटेरियल एंड कन्वर्टिंग इंटू न्यू प्रोडक्ट जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको हम कलेक्ट करते हैं और उससे हम न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसके स्टेप्स क्या है सिंपल स्टेप्स है उसके जो हमें पता है कलेक्शन पहला स्टेप है तो कलेक्शन करते हैं हम वेरियस सोर्सेज से घर से पिकअप करते हैं बिज़नेस एरिया से पिकअप करते हैं इंडस्ट्रियल से एरिया से पिकअप करते स्ट्रीट से पिकअप करते और ये कौन पिकअप करता है पिकअप एजेंट्स या पिकअप फोर्सेस लगाए जाते हैं उसके बाद में आता है सॉर्टिंग और प्रोसेसिंग जो ये मटेरियल पिकअप करते हैं वो इतना क्लीन मटेरियल नहीं होता है तो मटेरियल इज़ नीडेड टू बी सॉर्टेड जैसे मटेरियल कलेक्ट करने के बाद में मेटल्स अलग कर देते हैं प्लास्टिक से अलग कर देते हैं रबर से अलग कर देते हैं और फिर उसको क्या करते हैं हम वॉश करते और कंटेमिनेटेड जो मट्टी वगैरह जो रहती है धूल वगैरह जो जंग लगा हुआ रहता है उससे उसको रिमूव करते हैं सॉर्टिंग एक मैनुअल प्रोसेस है कुछ मशीन सॉर्टिंग भी होती है और ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी से भी आजकल सॉर्टिंग किया जाता है उसके बाद में रिसाइकलिंग फैसिलिटी रिसाइकलिंग फैसिलिटी के पास इक्विपमेंट रहते हैं हाई प्रेशर गन्स रहते हैं ताकि उसको क्लीन किया जाए वाटर से बाद में पेपर कप बोर्ड प्लास्टिक ग्लास मेटल्स को रिमूव करके एक स्टोरेज बॉक्स में डम्प कर देते हैं बाद में मटेरियल रिकवर फैसिलिटीज स्पेशलाइज रहती है वो कन्वेयर बेल्ट यूज़ करती है स्क्रीनस यूज़ करती है मैगनेट्स यूज़ करती है और ये मशीनरीज क्या करती है सेपरेट करती है मैगनेट जैसे आयन को आ, ए वन साइड कर लेता है प्लास्टिक एक साइड हो जाता है कन्वेयर बेल्ट बेल्ट पे एंड मार्केट एंड मार्केट का पॉइंट क्या है कि जब रिसाइकल हो जब ये सेपरेशन हो गया तो ये इसको क्रश करके एक रॉ मटेरियल फॉर्म में प्रोड्यूस करते हैं दिस एंड मार्केट्स वेरी डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ मटेरियल बोले तो ये वेरी करता है कि कौन सा टाइप ऑफ मटेरियल है पेपर है कार्डबोर्ड है प्लास्टिक है और फिर इसको प्रोडक्शन में लेकर आते हैं अब बेनिफिट्स क्या है रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज in के और इन्वायरमेंट बेनिफिट्स रिड्यूज लैंडफील्ड वेस्ट जो लैंडफील्ड है जो कचरे का ढेर है वो कम हो जाता है लोअर ग्रीन हाउस गैस इमेंशन जैसे कि जब जो अनवेस्ट रहता है जो रिसाइकल नहीं होता है जब उसको हम बर्न करते हैं तो ये प्लास्टिक्स उसमें नहीं रहता है तो उसके जो कंटामिनेटेड गैसेस है वो वो इमिशंस प्रोड्यूस नहीं होते ताकि क्योंकि हमने उसको ऑलरेडी कलेक्ट कर लिया रहता है पोल्यूशन डिक्रीज होता है और इकोसिस्टम भी प्रोटेक्ट होता है और रिसोर्स भी प्रोटेक्ट होते हैं इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या है इसमें क्रिएट जॉब्स पिकअप एजेंट्स रहते हैं कंपनीज में भी सॉर्टिंग uh, और मशीन्स पे एजेंट्स और वर्कर्स लगते हैं और वेस्ट मैनेजमेंट को जो कॉस्ट आता है इसको डंपिंग का वो भी रिड्यूस हो जाता है एनर्जी सेविंग होती है लो एनर्जी कंजम्पशन लगता है इसको ज़्यादातर ये मैनुअल होता है कुछ टूल्स ऑटोमेटेड सिस्टम से ये होता है और इसमें कार्बन रिड्यूस कार्बन इमिशंस कार्बन इमिशन भी रिड्यूस होता है क्योंकि ये कचरे के ढेर में रहा और ये बर्न कर दिया गया तो इससे कार्बन इमिट होते हैं ना और क्या रिसोर्स कन्वर्जेशन में क्या बेनिफिट्स होते हैं प्रिजर्व नेचुरल रिसोर्स री होने के वजह से नेचुरल रिसोर्स प्रिजर्व होते है। डिक, डिक्रीज हैबिटल डिस्ट्रक्शन हमको थोड़ा एजुकेट करके पता है करना पड़ता है कि प्लास्टिक को प्लास्टिक के बॉक्स में डालें मेटल को मेटल बॉक्स में डालें और प्रोडक्ट लाइफ भी एक्सटेंड होती है रिफर्विश और एक्सटेंडेड प्रोडक्ट लाइफ स्पैन मिलती है अब सोशल और कम्युनिटी बेनिफिट्स क्या होता है कि हम एनवायरनमेंट के बारे में अवेयर करते हैं कम्युनिटी को इन्वॉल्व करते हैं सेपरेट करते हैं जो वेस्ट को प्लास्टिक वेस्ट को एक साइड सेपरेट करते हैं पेपर वेस्ट को एक साइड सेपरेट करते हैं और ये अवेयरनेस हम सोसाइटी में बताते हैं इकोसिस्टम इकोसिस्टम का डेफिनेशन हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे इकोसिस्टम जो कम्युनिटी ऑफ लिविंग थिंग्स है वो हमेशा इंटरेक्ट करते रहती है नॉन लिविंग थिंग्स से इन द प्रेजेंट एनवायरनमेंट जो कम्युनिटी है जो लिविंग थिंग्स है उसको हमेशा नॉन लिविंग थिंग्स के साथ इंटरेक्शन होता है इको का जो टर्म है वो डेवलप्ट किया था एजी टेंसली ने दिस बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स आर लिंक टुगेदर बायोटिक क्या है बायोटिक हमने ऑलरेडी पढ़ा है जो भी लिविंग थिंग्स हैं हम उसको बायोटिक बोलते हैं सजस्ट प्लांट्स एनिमल इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट और ये फूड चेन फॉर्म करते हैं और नेटवर्क फॉर्म करते हैं अबयोटिक क्या है अब नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है जैसे कि वाटर सॉयल एटमोसफियर अबायोटिक कंपोनेंट्स हेल्प करते हैं शेप को इको को जैसे वाटर सॉइल वगैरह रहेगा तो एटमोसफियर रहेगा तो बायोटिक कंपोनेंट्स उसके ऊपर ग्रो करेंगे अब ट्रॉपिक लेवल प्राइमरी प्रोडक्ट्स लाइक प्लांट जो प्लांट रहते हैं वो हार्डनेस करते हैं एनर्जी लेते हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं सन से बेस्ड ऑन द फूड चेन हर्ब्यरस रहते हैं हरबेरस प्लांट्स को ईट करते हैं और जो कार्निवरस एनिमल्स रहते हैं वो हरब्यस को ईट करते हैं तो यह इकोसिस्टम है एनर्जी फ्लो एनर्जी फ्लो थ्रू द इको सिस्टम इज अ वन वे पाथ फ्रॉम प्राइमरी प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर इवेंचुअली टू द डिकम्पोजर जो भी एनर्जी फ्लो है वो इकोसिस्टम का वो वन डायरेक्शन पाते प्राइमरी प्रोड्यूसर टू तो कंज्यूमर और डिकम्पोज तक चलता है अब न्यूट्रिएंट साइकिल न्यूट्रिएंट साइकिल जैसे कि कार्बन नाइट्रोजन फास्फोरस आर साइकल्ड थ्रू इकोसिस्टम और जो डिकम्पोजर है वो एक वाइटल रोल प्ले करते हैं जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है उसको रिसाइकल करते हैं और वो जो डेड जो रहता है डेड एनिमल्स का तो वो वो रिसाइकलिंग के बाद में अर्थ के नीचे गया तो न्यूट्रेंट्स बनकर वो इकोसिस्टम को बूस्ट करता है बायोमासिस बायोमास जो है रहता है कॉमन बायोमास डेजर्ट फॉरेस्ट ग्रासलैंड, टुंड्रा एंड एक्वाटिक इकोसिस्टम्स लाइक ओशन लेक्स एंड वेटलैंड्स। ये कॉमन बायोमास है एडप्शन ऑर्गेनिज्म इन द इको सिस्टम हैज इवॉल्व वेरियस एडेप्शन जो भी ऑर्गेनिजम्स है लिविंग थिंग्स है वो इकोसिस्टम्स एक, में धीरे धीरे एडेप्शन करते हैं एडेप्शन का मतलब क्या होता है एडेप्शन से सरवाइव इन अ स्पेसिफिक एनवायरनमेंट सर्वाइव करने की कोशिश करते हैं ह्यूमन इम्पैक्ट ह्यूमन इम्पैक्ट एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है ह्यूमन क्या करते हैं डिफॉरेस्टेशन करते सोसाइटीज़ बनाने के लिए एग्रीकल्चर लैंड फूड प्रोडक्शन के लिए इंडस्ट्रीज लगाते हैं तो उससे क्या होता है पोल्यूशंस होता है ये हैबिचुअल डिस्ट्रक्शन है ह्यूमंस का और इसका है ना सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है इको सिस्टम पर और कन्वर्स सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट क्यों होता है क्योंकि फॉरेस्टेशन कम हो गया तो फिर उस उस वजह से क्लीन uh, एयर नहीं रहती है पोल्यूशन uh, ज़्यादा बढ़ता है एग्रीकल्चर के लिए लैंड यूज़ हुई तो डिफॉरेस्टेशन होता है सोसाइटी बिल्डिंग्स लिविंग्स के लिए लैंड का यूज़ होता है जो हमने पीछे फर्स्ट uh, चैप्टर में पढ़ा है और इसके इसे इकोसिस्टम थोड़ा सा बिगड़ जाता है कन्वर्सेशन एंड इफेक्ट कन्वर्सेशन एफर्ट्स आर क्रूशियल टू प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर दिस डेलिकेट सिस्टम अब ये सब कन्वर्सेशन ह्यूमन्स को थोड़ा सा प्लांट uh, वापस फिर से प्लांटेशन uh, करना तो ये सब और उसको काफ़ी टाइम लगता है तो ये क्रूशल प्रोजेक्ट रहता है ताकि वो जो इको सिस्टम है उसको रिस्टोर करे और ये बहुत डेलिकेट सिस्टम रहता है इको सिस्टम की सर्विसेज क्या रहती है इको सिस्टम प्रोवाइड नंबर ऑफ़ बेनिफिट्स टू तो ह्यूमैनिटी इंक्लूडिंग क्लीन एयर वाटर लैंड पोलिटेड पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप्स जैसे कि एको जो है वो बहुत तरीके से बेनिफिट करता है हमें अच्छी सी क्लीन एयर देता है पानी देता है पॉलिनेशंस जो घास वगैरह उगती है जो डिफरेंट टाइप्स फॉर द एनिमल्स इट्स ऑल इट हेल्प्स इन द इको सिस्टम के है ये अभी इकोलॉजिकल बैलेंस इको एक ट्रेंड मेंटेन करता है स्टेट ऑफ इकोडिम विथ पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज इन बैलेंस जो भी पॉपुलेशन है वो स्पीसीज वो बैलेंस में अगर ये गड़बड़ हो गया डिस्ट्रप्शन हो गया या थोड़ा ज़्यादा हो गया तो इकोलॉजिकल सिस्टम इम्बैलेंस हो जाता है एंड समाइम्स इट ऑल्सो गेट कोलेप्स तो इको सिस्टम कोलैप्स होने का क्या है कि स्पीसीज जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन अगर ज़्यादा हो गया तो इको सिस्टम इक्वल मेंटेन नहीं कर पाता क्यों नहीं मैंटेन कर पाता क्योंकि इंडस्ट्रीज़ लगती है फिर एग्रीकल्चर लैंड लगती है फूड सिक्योरिटी का इशूज़ आता है फिर रहने के लिए सोसाइटीज़ यूज़ होती इंडस्ट्रियलाइज़ेशन आता है तो ये वजह से फिर इकोसिस्टम इनबैलेंस होता है